साउथ से यहाँ से तोड़ के ले गए थे हनुमान जी वो। अच्छा। वो द्रोणागिरी पर्वत है पूरा, देखो जिसके ऊपर पीछे जो दिख रहा है जी। हाँ सर देखो, यहाँ पर कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है सर, सारे पीक आपके सामने एक एक करके नाम मैंने आपको गिना दी, देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आए फिर पूछ लेना। और यही हिमालय, इसके बाद कोई हिमालय नहीं है, भले नाम एवरेस्ट है तो क्या हिमालय, हिमालय मीन्स हिम का घर। चलिए अब आपको दिखाते हैं बद्रीनाथ के नर और नारायण, यानी कृष्ण और अर्जुन ने भी तपस्या की है इसलिए उसका नाम है नर यानी अर्जुन, नारायण कृष्ण। चलिए पीछे देखिए, टावर नंबर जहाँ से आपने स्टार्ट किया पीछे देखिए, दो स्नो वाले पीक दिख रहे हैं साहब, देखो पीछे देखो स्नो वाले, लेफ्ट वाले नहीं, लेफ्ट वाला है नर पर्वत और राइट वाला है नारायण, और उसके बीच में भगवान बद्री साहब वो पीछे वो है सर नर नारायण। और ये सबसे बड़ी बात है, ये मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, बद्रीनाथ नीचे है, देखिए सुन लीजिए मेरी बात, ये बद्रीनाथ के नर और नारायण है जिसको बोलते हैं पहरेदार भगवान विष्णु के, अब यही हुआ ना, हम यही मानेंगे नर और नारायण, और ये बीच में है भगवान बद्री, इसलिए वो थोड़ा नीचे है, इसलिए वो नीचे है, यूँ है भगवान बद्री ये नर नारायण पर्वत हो गए और ये भगवान नीलकंठ जस्ट टेम्पल के पीछे, नहीं यहाँ से क्यों ये पहाड़ आ गया नर पर्वत आगे, अगर नर पर्वत नहीं लगता तो ऊपर टॉप में जाएगा वहाँ से नीलकंठ। और ये है गोल्डन ओक का फॉरेस्ट, देखे